के गौतम अपने YouTube चैनल gsstudy.in में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आज भी एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हैं, जो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का एक बुक है संस्कृत, जो आपके 100 मार्क्स के होते हैं और संस्कृत में काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये षष्ठम पाठ है भारतीय संस्कारा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है भारतीय संस्कारा। जो भी लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, इस चैप्टर का पूरा फुल कंसेप्ट के साथ इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, उसको जा कर के आप जरूर देखें और उसका लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करने के पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे अब तक नहीं जुड़े हैं, सो जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, यानी मनुष्य को कुल मिलाकर कितने संस्कारों से पूरे जीवन में गुजरना होता है। तो यहाँ पे ए में है 16, दो में है 10, तीन में है 5 और चार में है 2। तो मनुष्य को अपने टोटल जीवन में 16 संस्कारों से गुजरना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ख की। तो यहाँ पे ख नंबर क्वेश्चन है, अक्षारंभ किस प्रकार का संस्कार है, यानी अक्षर का आरंभ जब बच्चा करता है वो भी एक संस्कार का ही प्रकार है, तो कौन सा संस्कार है। तो देखिए, ए में है शैशव संस्कार, दो में है विवाह संस्कार, तीन में शिक्षा संस्कार और चार में जीवन पूर्व संस्कार, ठीक है ना। तो यहाँ पे ख का जो करेक्ट आंसर होगा सो आपको होगा ऑप्शन नंबर ख, यहाँ पे होगा ख का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो आपको होगा शिक्षा संस्कार, नहीं ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ग की। तो यहाँ पे ग नंबर क्वेश्चन है, सीमंतोन्नयनम संस्कार किस संस्कार में माना जाता है, ठीक है ना। ए में जन्म से पूर्व संस्कार में, दो में जन्म के बाद संस्कार में, तीन में युवा अवस्था के संस्कार में और चार में गृहस्थ संस्कार में। तो यहाँ पे ग का जो करेक्ट आंसर होगा सो आपको होगा जन्म के पूर्व संस्कार में, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर घ की। तो यहाँ पे घ नंबर क्वेश्चन है, पानी ग्रहणम कर्मकांड किस संस्कार में मिलता है, यानी पानी ग्रहण जो है ये संस्कार किस कर्मकांड में मिलते हैं। ए में विवाह संस्कार में, दो में शिक्षा संस्कार में, तीन में जन्म के पूर्व संस्कार में और चार में शैशव संस्कार में। तो घ का जो करेक्ट आंसर होगा सो आपको होगा ऑप्शन नंबर 1, विवाह संस्कार में पानी ग्रहण, लज्जा होम, कन्यादान, सिंदूरदान, ये सारे कर्मकांड आपको मिलते हैं, ठीक है। और विवाह संस्कार को ही दुनिया का सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन अंगा की बात कर रहे हैं। तो अंगा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन जो है सो आपको है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या दिया जाता था, यानी शिष्य आप समझ रहे हैं जो बच्चे होते थे पढ़ने वाले, वो शिष्य होते थे और गुरु उनको शिक्षा देते थे, जो प्राचीन काल की बातें हैं। तो ए में विद्यार्थी, दो में छात्र, तीन में स्टूडेंट, चार में ब्रह्मचारी, ठीक है ना। तो अंगा का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको होगा सो होगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रह्मचारी, ठीक है ना। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, गुरु शिक्षा समाप्ति के बाद शिष्य को कहाँ भेजते थे, यानी गुरु जो होते थे जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो शिष्य को कहाँ भेजते थे। तो ए में विद्यालय, दो में महाविद्यालय, तीन में घर और चार में बगीचा, ठीक है ना। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा सो आपको होगा ऑप्शन नंबर 3, घर, ठीक है ना। जब बच्चों की शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो गुरु शिष्य को कहाँ भेजते थे, उसको घर भेज देते थे। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे
अगले नंबर क्वेश्चन की उपनयन संस्कार किस प्रकार के संस्कार में माना जाता है। उपनयन संस्कार जो है किस प्रकार का संस्कार है, ए में शिशु संस्कार में, दो में शिक्षा संस्कार में, तीन में विवाह संस्कार में, चार में जन्म पूर्व संस्कार में। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा सो आपको होगा शिक्षा संस्कार में, ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही है। उपनयन संस्कार को शिक्षा संस्कार के रूप में माना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे करते हैं कंप्लीट। दो का जो यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे दो का जो नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कार पाठे भारतस्य किम रचयति, यानी भारतीय संस्कार पाठ के रचयिता कौन है। ठीक है ना, एक में व्यक्ति तत्वम, दो में मानवत्वम, तीन में कारुणा तत्वम, चार में सहिंसु तत्वम। तो यहाँ पे दो का जो क का जो ऑप्शन है सो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक होगा व्यक्ति तत्वम। ठीक है ना, यानी व्यक्ति तत्व को इस संस्कार में दर्शाया गया है। ठीक है ना, चलिए हम ख नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ख नंबर क्वेश्चन है संस्कारा प्रायण कति विधा संति। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए में है पंच, दो में है षष्ठ, तीन में है त्रय, चार में है द्वादश। तो ख का जो करेक्ट आंसर होगा सो आपको होगा ऑप्शन नंबर ए पंच। ठीक है ना, चलिए आगे हम बात करते हैं ग नंबर क्वेश्चन की। तो ग नंबर क्वेश्चन है कति संस्कारा संति, ये संस्कार कितने होते हैं। तो ए में पंचदश, दो में पंच, तीन में षोडश, चार में विंशति। ठीक है ना, तो ग का जो करेक्ट आंसर होगा सो आपको होगा ऑप्शन नंबर तीन षोडश। ये संस्कार जो होते हैं 16 होते हैं। चलिए हम घ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जन्म पूर्व कति संस्कारा भवति, जन्म के पहले कितने संस्कारों से गुजरना पड़ता है। ए में त्रय, दो में चतवारह, तीन में पंच और चार में षष्ठ। तो घ का जो करेक्ट आंसर होगा सो आपको होगा त्रय, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। जन्म के पहले तीन संस्कार से गुजरना होता है। चलिए हम अंग नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अंग नंबर क्वेश्चन है शैक्षणिका संस्कारा कति भवति, यानी शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं। ए में चतवारह, दो में पंचम, तीन में द्वादश, चार में षोडश। शिक्षा संस्कार कितने हैं, तो यहाँ पे अंग का जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर दो पंच। मैं आपको बता दूँ कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं जिसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, जन्म के पहले 3 गो, शिक्षा संबंधी 5 गो, ठीक है ना, उसके बाद शैशव में 6 गो, उसके बाद एक विवाह संस्कार और एक मरने के बाद दाह संस्कार। ठीक है ना, फिर चौनवा क्वेश्चन है शैशव कति संस्कारा भवति, इस शैशव काल में कितने संस्कारों से गुजरना होता है। ए में षष्ठ, दो में नवम, तीन में एकादश और चार में चतवारिश। ठीक है ना, तो च का जो करेक्ट आंसर होगा सो आपको होगा ऑप्शन नंबर एक षष्ठ, यानी 6 संस्कारों से गुजरना होता है। चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है पुरा का वेदारंभ गुरु गृह करोति सम। ठीक है ना, ए में निरीप, दो में विद्वान, तीन में शिष्य, चार में गुरु पत्नी। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा सो आपको होगा शिष्य, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ज की। तो ज नंबर क्वेश्चन है अंतिष्ट संस्कार कदा संपादते। ए में मरणात् पूर्वमेव, दो में मरणानन्तरम, तीन में युवा अवस्थायाम, चार में जवा अस्थानायम। ठीक है ना, तो यहाँ पे जवार अस्थानायम, तो यहाँ पे ज का जो करेक्ट आंसर होगा सो आपको होगा ऑप्शन नंबर ज का जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है ना, चलिए हम बात करते हैं यन नंबर क्वेश्चन की। तो यन नंबर क्वेश्चन है पुसा वन संस्कार कदा क्रियते। ए में जन्मत पूर्वम, दो में जन्मत पश्चात, तीन में जन्म काले, चार में किशोरा अवस्थाया। तो यहाँ पे झ का जो क्वेश्चन जो है यहाँ पे
सो आपको कंप्लीट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म मत पूर्व यानी जन्म के पहले पुषाण संस्कार होते हैं। चलिए हम लोग यह नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यह नंबर क्वेश्चन है गृहस्थ जीवन से एक संस्कार का, यानी गृहस्थ जीवन जो होता है किस संस्कार के बाद आता है। तो ए में नामकरणम, ठीक है ना, नामकरणम, दो में क्षौर क्रम, तीन में विवाह संस्कार, चार में अंतिष्ट संस्कार। तो यहाँ पे यहाँ का जो करेक्ट आंसर होगा सो आपको होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीन, विवाह संस्कार, ठीक है ना। चलिए हम ट की बात करते हैं, अक्षारंभ कृदि संस्कार, यानी अक्षर का आरंभ किस संस्कार में होता है। ए में शैशव संस्कार, दो में शिक्षा संस्कार, तीन में गृहस्थ संस्कार, चार में विवाह संस्कार। तो ट का जो करेक्ट आंसर होगा सो होगा ऑप्शन नंबर दो, शिक्षा संस्कार, ठीक है ना। अब हम ठ नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो भारतीय संस्कृति परिचय किव जायते, यानी भारतीय संस्कृति का जो पहचान है वो कैसे है। देखिए ए में संस्कार अभ्य, दो में अहने भ्य, तीन में भ्रमणे भ्य, चार में वार्तालाप। तो ट का जो यहाँ पे ठ का जो ऑप्शन नंबर एक जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान हमारे संस्कार से होती है। तो आज हम लोग भारतीय संस्कार चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो आपको पसंद आया और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अटेम्प्ट किए। तो अब आज के लिए इतना ही, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ जो भी लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आगे इससे भी बेहतर आपको हम वीडियोज बनाकर आपको हम शिक्षा का मार्ग दर्शन कराएं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।